मैं फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो में आपके सामने। दोस्तों आज की वीडियो में हम ड्रोन से रिलेटेड कई सारी चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। ड्रोन से रिलेटेड कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर कई लोगों के अंदर काफ़ी सारे डाउट हैं, काफ़ी सारे सवाल हैं, जिसका जवाब आज मैं उन लोगों को देने वाला हूँ। जैसे कि ड्रोन कहाँ से लें, कौन सा लें, अमेज़ोन से लें या ना लें, चांदनी चौक जो दिल्ली की फेमस मार्केट है वहाँ से लें। मैंने देखा है दोस्तों कई सारे स्टेट से लोग दिल्ली आते हैं और चांदनी चौक और अदर कई मार्केट ऐसे हैं वहाँ से ड्रोन लेके जाते हैं। तो क्या ये मार्केट सेफ़ है? मैंने अमेज़ोन से क्यों ड्रोन लिया? मैं प्रॉपर दिल्ली से हूँ दोस्तों, फिर भी मैंने अमेज़ोन से 30,000 महंगा ड्रोन लिया। अगर आप चांदनी चौक वगैरह से ड्रोन लेते हैं तो आपको 40,000 to 45,000 में मिल जाता है। मैंने 70,000 का लिया, इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप लोगों की तरह ही मैंने भी कई सारे प्लेटफॉर्म पे ड्रोन को ढूंढने की कोशिश की, क्योंकि ड्रोन मेरी ज़रूरत है। मैं आपके सामने वीडियोस वगैरह लाता हूँ, अपनी वीडियोस को और इसकी क्वालिटी को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए मुझे ड्रोन की ज़रूरत है। और ऐसे कई सारे ब्लॉगर, यूट्यूबर या ऐसे शौकिया तौर पर भी कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें ड्रोन लेना पसंद है और जो लेना चाहते हैं। तो उन सबके सारे सवालों का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। मैं भी, मेरे पास जो एक्सपीरियंस है ड्रोन से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें मैं शेयर करने वाला हूँ। तो ज़्यादा टाइम ना लेते चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और जानते हैं ड्रोन के बारे में A to Z चीज़ें। तो चलिए एक एक करके जानते हैं आपके सभी सवालों के जवाब। जितना मुझे पता है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको जवाब देने वाला हूँ दोस्तों। तो बेसिकली ये जो DJI का मैविक 1 है दोस्तों, ये मेरा पहला ड्रोन नहीं है। इससे पहले मैं कई सारे चीप ड्रोन ला चुका हूँ और उनको उड़ा के उनको टेस्ट करके देख चुका हूँ। तो एज अ क्वालिटी वाइज मैं आपको बताऊँ, जो मैं पहले की वीडियो में भी बोल चुका हूँ, DJI का मैविक मिनी बेस्ट ड्रोन है दोस्तों। इसके बेस्ट होने की कारण कई सारे हैं, प्रोफेशनल हैं, वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी है, गिम्बल का फंक्शन है इसके अंदर, 3-axis गिम्बल है जिससे स्टेबिलिटी बहुत अच्छी आती है, वीडियो और इमेज काफ़ी इन्हेंस क्वालिटी में ये क्लिक करता है। DJI के जितने भी ड्रोन हैं दोस्तों उनमें सबसे सस्ता है, जिसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी। जितने भी ब्लॉगर हैं, वीडियो क्रिएटर हैं, यूट्यूबर्स हैं, सब ज़्यादातर इसी ड्रोन को यूज़ करते हैं और यही ड्रोन लेना चाहते हैं, क्योंकि इसमें किसी तरीके की किसी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती दोस्तों। तो हर कोई इसी ड्रोन को ढूंढ रहा है, मैं भी इसी ड्रोन को लेना चाहता था और फाइनली मैंने लिया अमेज़ोन से। अमेज़ोन से लेने का सबसे बड़ा रीज़न जो मेरा था वो था, अमेज़ोन आपको देता है 6 महीने की वारंटी प्लस आपको मिलता है 10 दिन का रिटर्न ऑफ़र, जिससे कि आप अगर ये ड्रोन लेते हैं, अगर आपको इसकी कोई चीज़ पसंद नहीं आती है, इसमें कोई कमी अगर आपको लगती है जो कि अमेज़ोन ने अपने पैनल पर डिस्क्राइब नहीं कर रखा है, तो आप इस ड्रोन को 7 to 10 days के अंदर रिटर्न कर सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं रिटर्न पीरियड कितने से कितने टाइम का। मैंने जो लिया था इसका 7 दिन का रिटर्न पीरियड था, तो 7 दिन तक मैं कभी भी इसे रिटर्न कर सकता हूँ। अमेज़ोन से लेने से पहले दोस्तों मैं ये लेने के लिए गया था चांदनी चौक। चांदनी चौक की कई सारी मार्केटें मैंने छान मारी। चांदनी चौक में जितनी भी मार्केट है, कैमरा मार्केट है, लाजपत राय मार्केट है और भी कई सारी मार्केट है, सब जगह मैंने ढूंढा। 2 से 3 शॉप हैं वो ये ड्रोन तो दे रहे हैं दोस्तों, बट वो इसके साथ आपको बिल नहीं देंगे। वहाँ पर आपको जो ड्रोन का प्राइस मिलने वाला है वो मिलने वाला है 45,000 के आसपास, 40,000 to 45,000 के आसपास आपको मिलने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम दोस्तों वो ये है कि वो आपको वहाँ पे ड्रोन चेक नहीं कराएंगे। इन केस अगर वो चेक कराते भी हैं, वो अपने छत पे ले जाएंगे, वो पूरा जो एरिया है नो फ्लाई जोन है, रेड जोन है, तो आप वहाँ फ्लाई नहीं कर सकते। जो सेलर है वहाँ का, जो शॉपकीपर है, वो आपको 2 से 3 meters, 5 meters मैक्सिमम 7-8 meters उड़ा के, और ये जो उसकी हाइट 5 से 7 meters और रेंज जो है वो 4 से 5 meters चला के दिखा देता है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो ड्रोन है ना, आपको 2 से 3 दिन लगेंगे इसको पूरी तरह चेक करने में। आप उड़ा तो लेंगे बट इसके एक एक फ़ीचर्स को समझने में, जानने में, इसके फंक्शन को देखने में, आपको ये पता लगाने में कि एक्चुअल में ड्रोन के अंदर कोई प्रॉब्लम है या नहीं, और है तो क्या प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन क्या है, ये पता करने में आपको पूरा 1 हफ्ता लग जाएगा दोस्तों। तो सडनली वहाँ जाके, वहाँ देख के आप अगर ड्रोन लेने की सोच रहे हैं तो बहुत बड़ी गलतफहमी आपकी। मैं दिल्ली से हूँ, मुझे काफ़ी अच्छे से इन चीज़ों के बारे में पता है। कुछ लोग हैं जिन्होंने शायद वहाँ से ड्रोन लिया होगा और उन्हें अच्छा ड्रोन मिल गया, ऐसा नहीं कि सारे ड्रोन ख़राब होते हैं। अगर वो लोग 10 ड्रोन बेचते हैं, 10 में से 3-4 ड्रोन ऐसे होते हैं जिनमें कोई ना कोई किसी न किसी तरीके की प्रॉब्लम होती है। जितने भी वहाँ के ड्रोन हैं दोस्तों, ज़्यादातर वो ड्रोन हैं जो आउट ऑफ कंट्री से इम्पोर्ट करे हुए हैं। काफ़ी ड्रोन ऐसे हैं जो कुछ टाइम के बाद लॉक हो जाएंगे आपके चलाने पर। काफ़ी ड्रोन ऐसे हैं जिनको आपने रेड जोन में चला दिया तो अपने आप ब्लॉक हो जाएंगे, आप कुछ टाइम उड़ाएंगे आपको पता चल जाएगा। ये सारी चीज़ें देखते हुए मैंने OLX पे भी देखा दोस्तों ड्रोन को। सेकेंड हैंड ड्रोन आप लेने जाओ, लोग किस लिए बेच रहे हैं कुछ नहीं कह सकते। हाल फिलहाल मैं एक ड्रोन देखने गया था दोस्तों, वहाँ पे मैंने देखा वो ड्रोन जो फ्लाई करता है सिर्फ 5 meters, उसके बाद वो फ्लाई नहीं करता। क्या प्रॉब्लम है मुझे नहीं पता। एक्चुअल में जो
पर्सन था जो सेल कर रहा था उसे उसे भी प्रॉब्लम के बारे में नहीं पता था। उसने कहा ठीक था अभी अभी ऐसा हो रहा है, बट आप कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं कि अभी अभी हुआ है और आगे फ्यूचर में नहीं होगा। ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए दोस्तों सबसे अच्छा जो ऑप्शन है आपके पास, अगर आप 45 to 50,000 अगर कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 15-20,000 और बढ़ा के 6 महीने की वारंटी के साथ आप ड्रोन ले सकते हैं अमेज़ॉन से। सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है दोस्तों, सेफ़ है, सिक्योर है। तो मेरा रिकमेंडेशन है आप अमेज़ॉन से लें। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं दोस्तों, ना मैं आपको कोई लिंक शेयर करने वाला हूं, जस्ट एक सजेशन है, मैंने लिया है इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, ताकि आप इन सब चीज़ों से बच सकें। क्योंकि जब आप 40 से 45,000 रुपये किसी ड्रोन में लगाएंगे और उस ड्रोन में अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको मिलती है या किसी भी वजह से आप उसको नहीं चला पाते हैं या ख़राब हो जाता है, तो आपको बहुत पछताना पड़ेगा दोस्तों। बहुत से ड्रोन ऐसे हैं दोस्तों जब तक इंटरनेट से कनेक्टेड है वो सही चलेंगे, जैसे ही इंटरनेट से वो डिस्कनेक्ट होंगे वो कहाँ गिरेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा दोस्तों। तो ये इस तरीके की कई सारी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों से अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो अमेज़ॉन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं दूसरे चीज़ों की, जैसे कि इसका फ्लाई टाइम, इसकी रेंज, कितने हाइट तक ये फ्लाई करता है, कई सारी चीज़ें जिस पर हम आराम से बात कर लेते हैं। सबसे पहली और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ दोस्तों, ड्रोन का जो 15 मीटर का जो हाइट है, जैसा कि आपको पता है दोस्तों भारत में ड्रोन्स के लिए कई सारे रूल्स निकले, जिनमें एक रूल्स ये भी है कि आप ड्रोन को 15 मीटर से ज़्यादा की हाइट तक इसे फ्लाई नहीं कर सकते। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों 15 मीटर जो है वो ज़मीन से नहीं है, अगर आप किसी छत पे खड़े हैं और आप छत के ऊपर से उड़ा रहे और छत के ऊपर से अगर आप फ्लाई कर रहे हैं तो रिमोट से लेकर जो ड्रोन की दूरी है वहाँ से 15 मीटर। ऐसा नहीं है कि आपने छत से फ्लाई किया और छत से जैसे ये नीचे ज़मीन पर इसने देखा और ये ज़मीन पर लैंड हो गया या 15 मीटर की दूरी पर आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। इसकी जो 15 मीटर की जो दूरी है दोस्तों वो रिमोट से लेकर ड्रोन की है। तो अगर आप छत से फ्लाई करते हैं तो छत से लेकर आपको 15 मीटर का डिस्टेंस मिल जाएगा। और बात करते हैं इसकी रेंज की, तो रेंज तो दोस्तों इसका कमाल का है, 4 किलोमीटर तक का इसका रेंज है, 2 से 2.5 किलोमीटर आप आराम से ले जा सकते हैं। उसके बाद ये कुछ सिग्नल्स आपको देने लगता है, जैसे लो GPS, हाई विंड और भी इस तरीके की कई सारी चीज़ें ये आपको नोटिफिकेशन में दिखाता रहेगा। बट फिर भी आप इसे 4 किलोमीटर तक का इसका रेंज है, आप इसे ले जा सकते हैं। बट मेरा सजेशन है दोस्तों कि इतना ज़्यादा दूर ले जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, ऑलमोस्ट अगर आप इसे 500 मीटर तक भी ले जाते हैं तो काफ़ी अच्छा व्यू आपको देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों बात करते हैं इसके बैटरी बैकअप की, तो जो बैटरी बैकअप है 15 से लेकर 25 मिनट का है दोस्तों। 15 से लेकर 25 मिनट का इसलिए क्योंकि इसमें 3 तरीके के मोड हैं, अगर आप स्पीड मोड में करते हैं जो कि स्पोर्ट्स मोड है तो इसमें ड्रोन आपका काफ़ी स्पीड में फ्लाई करता है तो बैटरी ज़्यादा कंज्यूम होती है, और अगर आप इसे नॉर्मल सिनेमेटिक मोड या अदर मोड में करते हैं तो उसके हिसाब से दोस्तों बैटरी आपकी कंज्यूम होगी। तो मैंने देखा अगर स्पोर्ट्स मोड में चलाते हैं तो ये 15 से 16 मिनट चलता है, और सिनेमेटिक मोड में अगर हम चलाते हैं तो मेरे हिसाब से 20 मिनट या 22 मिनट तक चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब बात करते हैं दोस्तों इसकी अपग्रेडेशन की, कि आप इसे अपग्रेड करके जो 15 मीटर का हाइट लिमिट है उसे अगर हटाना चाहते हैं तो कैसे हटा सकते हैं। दोस्तों उसके दो रास्ते हैं, तो इसकी अगर लिमिट आपको हटानी है दोस्तों और इसे आपको 500 मीटर तक फ्लाई करना है तो इसके लिए एक ऐप आता है जो कि पेड ऐप है दोस्तों, उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, लगभग 4,000 के आसपास आपके लगेंगे। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में उस लिंक को देख सकते हैं दोस्तों, वो लीगली काम करेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके अलावा दूसरा ऑप्शन है कि आप इसको अपने विंडो लैपटॉप या सिस्टम से इसको हैक कर सकते हैं। आप जब भी इसे फ्लाई करेंगे उससे पहले आपको इसे हैक करना पड़ेगा, और जब भी आप इसे बंद करेंगे वो हैक ख़त्म हो जाएगा, फिर दोबारा जब इसे फ्लाई करेंगे आपको दोबारा इसे हैक करना पड़ेगा। ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है दोस्तों, अगर आपको इस पर कोई वीडियो की ज़रूरत है, अगर आप चाहते हैं मैं इस पर वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट करें, मैं इस पर पर्सनली एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, तो आप देख सकते हैं इसे हैक कैसे करना है। तो ये है दोस्तों इस ड्रोन से जुड़ी हुई कई सारी चीज़ें, आपको कहाँ से लेना चाहिए, ये ड्रोन क्यों लेना चाहिए और इस ड्रोन में क्या क्या खासियत है, तो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट मैंने बता दी है। अगर कोई चीज़ रह गई है दोस्तों तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं अगली वीडियो में इसे कवर करने की कोशिश करूँगा। हमारे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो चीप ड्रोन है और ये जो एक्सपेंसिव ड्रोन है इनमें क्या फ़र्क है। तो हमारी वीडियो से बने रहें, हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो हाल फिलहाल में ड्रोन लेना चाहते हैं या लेने में इंटरेस्टेड है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, गुड बाय दोस्तों।